देख रहे हैं नई घाट का दृश्य। बादल काले काले छाए हुए हैं। दोनों ही घाटों में भीड़, एक इस तरफ भीड़ ज्यादा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। घाटों की जो दुर्दशा है वो आप देख रहे हैं। पॉलिथीन कचरे कचरे नजर देख रहे हैं। केले उठाए हैं और खैर सपोर्ट में है, दो तीन भोले हैं सपोर्ट में देख रहे हैं। हाय दोस्तों, हर हर गंगे हर हर महादेव। आज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो आप देख ही रहे हैं, कल और परसों के तुलना में कितनी ज़्यादा है। कांवड़ यात्रियों की संख्या यहाँ पे कितना था और चलने के लिए जगह कितना था, ये आप वीडियो देख के ही समझ गए होंगे। जल की धारा काफ़ी तेज है और अपनी तेजी के साथ बह रही है माँ गंगा देख रहे हैं। ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं। मौसम फिर से खराब होगा, बारिश होगी ऐसा उम्मीद है, ऐसे कि अलर्ट है यहाँ पे बारिश का। और देख रहे हैं भोलों की संख्या पूरी तरह से यहाँ पे आ चुकी है और ये भोलों की संख्या अभी बढ़ती रहेंगी 2 तारीख तक, पूरी रिकॉर्ड ब्रेक होगा इसकी फुल गारंटी है। हाईवे जाम है और मार्केट भी जाम है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं परमानेंटली 2 तारीख तक। कुछ रास्ते में आवाजाही पूरी तरह से बंद है, केवल पैदल यात्री ही जाते हैं, गाड़ी टू व्हीलर फोर व्हीलर पूरी तरह से बंद है। तो चलते हैं हर की पैड़ी प्रमुख घाट है, वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं जल लेने केवल लड़के नहीं, लड़कियाँ भी हैं, माता बहनें बच्चे सारे तरह के लोग आपको दिखाई देंगे। देख रहे हैं एक से बढ़कर एक कांवड़ है और सजावट भी देखेंगे, काफ़ी मनमोहक दृश्य है कांवड़ों का, सजावट का। ऐसे हमने कल आपको दृश्य दिखाया था, काफ़ी अच्छे बढ़कर एक कांवड़। और ये देख रहे हैं ये हाथी वाला ब्रिज है, हम अभी विष्णु ब्रिज के पास है और बस चल रहे हैं हर की पैड़ी। अब जो लोग यहाँ पे स्नान करेंगे, जो जल लेंगे, उनसे हम बात भी करेंगे अभी और आपको पूरी जानकारी भी देंगे हरिद्वार यात्रा से जुड़ी, क्योंकि जो अभी भीड़ है जो जाम है इससे आप थोड़ा से राहत मिल सकता है आपको, और कैसा मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। पूरी राहत तो नहीं मिलेगा, जाम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे चलने में भी दिक्कत हो रही है, हर की पैड़ी में क्या हाल होगा अभी हम देखते हैं, चल पाना मुश्किल होगा मेरे ख्याल से। तो जो दृश्य यहाँ देख के लग रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से लोग अभी हैं वो कल आपको देखने को मिला होगा हर की पैड़ी में दृश्य। और आज हर की पैड़ी में क्या हाल है देखते हैं। हर की पैड़ी यहाँ से 500 मीटर दूर है और देख रहे हैं भोले यहाँ पे कांवड़ सजा रहे हैं, काफ़ी सारे भोले हैं। यहाँ से आपको भीड़ 2 गुना देखने को मिलेगा देख रहे हैं। अब वीकेंड भी आ रहा है तो जाहिर सी बात है वीकेंड में और भी ज़्यादा भीड़ होता है, जो भीड़ है अब आपको 2 से 3 और 4 गुना नज़र आएगा, क्योंकि अब लगातार भीड़ तो बढ़ी रहा है कांवड़ यात्रियों का, लेकिन वीकेंड की वजह से और ज़्यादा भीड़ होगी। और प्रमुख स्नान भी है, बड़ा स्नान, तो उस स्नान में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा आएंगे, अभी भीड़ आपको 5 गुना ज़्यादा देखने को मिलने वाला है कुछ दिनों बाद। ये है गौ घाट हाथी वाला ब्रिज जस्ट सामने देख रहे हैं। आज से इधर चल पाना मुश्किल है, कल थोड़ा सही था, आज और भीड़ बढ़ गया है और ये भीड़ लगातार बढ़ते ही रहेगा देख रहे हैं। पूरी अच्छी खासी तगड़ी वाली भीड़ है। अभी आप दृश्य देख रहे हैं 25 जुलाई का और 25 जुलाई अब 7 दिन और रह गया है जल चढ़ाने का तिथि, और उस दिन जो होगा वो बिल्कुल रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड तो अभी से ही बढ़ रहा है, हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है हर की पैड़ी पे। तो चलते हैं फिर हर की पैड़ी का दृश्य आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं ये कांवड़ सज रहा है, सजावट का सामान भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अब इनकी हेयर स्टाइल शायद ऊपर से लगाया हुआ है, नीचे हम नहीं जा रहे घाट पे, घाट पे जाएंगे तो और ज़्यादा दिक्कतें होती है चलने पे। और देख रहे छोटे छोटे बच्चे, जय बोली की, छोटे बच्चे बुजुर्ग सारे आ रहे हैं जल लेने के लिए, ये देख रहे हैं जय बोली की झंडा कांवड़ लेके आ रहे हैं, बोले डीजल की आवाज़ कानों में पड़ेगी और हर हर महादेव की गूंज अभी सुनने को मिल रहा है।
देख रहे हैं किस तरह से अभी धीरे 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 सरका जा रहा है केंचुए के चाल पे। अभी बचा हुआ दिन काफी दिन है, उसके बाद भी भीड़ इतना है, देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ अभी बढ़ेगा। चलने के लिए भी जगह नहीं है घाटों पे, स्नान करना बहुत दूर की बात है। देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल धीरे 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 आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे, एक तो जो लोग इधर से आते हुए नजर आएंगे, ये देख रहे हैं आ रहे हैं, ये सीधा आ रहे हैं इधर से धनुष वाले ब्रिज से, और आप भीड़ देख रहे हैं शिव सेतु पे। भाई आज पूरा रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, छोटे बड़े बच्चे को भी लेके गोद में लेके आते हैं कांवड़ यात्री करने के लिए। मतलब भक्ति है तो सब पॉसिबल है, जय भोले की। वीडियो अगर सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करके रखें चैनल को, ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहे। पूरे घाटों में बोलबम किनारे सुनाई दे रहे हैं, देख रहे हैं सबसे छोटी कांवड़। यहाँ पे नेम प्लेट लग गया शिव ब्रिज लिखा हुआ है इसमें, बाकी देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आपको जल की जहाज दिखाते हैं, आज भी जल में है काफी सारे, देख रहे हैं शिव सेतु लिखा हुआ है इसमें, शिव सेतु लिखा हुआ है। पूरे घाटों का ये हाल है, कांवड़ यात्रियों की संख्या देख रहे हैं पूरी लाइन से आ रहे धीरे धीरे कछुए के चाल में चलते हुए, इतनी ज्यादा भीड़ है। हाईवे की तो आप पूछो मत, हम दृश्य दिखा देंगे, आप देख लीजिएगा क्या हाल है। मेन जो भीड़ है भाई वो यहाँ से नजर आएगा आपको, हर की पैड़ी की, यहाँ से प्रमुख घाट स्टार्ट हो जाता है। कांवड़ यात्रियों की भीड़ होती है अच्छी खासी, और आप देख रहे हैं जो भोले आ रहे हैं, जय भोले की, देख रहे हैं यहाँ पे पुराने कांवड़ है, देख रहे हैं कुछ लोग पुराने कांवड़ रखे हुए हैं। पुराने कांवड़ को गंगा जी में डालते हैं, ऐसे नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है सूचना प्रसारण केंद्र से कि गंगा जी प्रदूषित होती है पुराने कांवड़ को डालने का कोई ऐसे महत्व नहीं है, पौराणिक महत्व नहीं है, तो बिल्कुल भी ना डालें। बाकी आप जल व छिड़क के लेके जा सकते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। सबसे बड़ी कांवड़ आ रही है, देख रही इधर से आज की इस घाट में, मेरे को जहाँ तक मेरी नज़र जा रहा है उस इतनी ऊंची घाट, इतनी ऊंची कांवड़ नहीं है जितनी ऊंची अभी आ रही है, देख रहे हैं आ रहे हैं। और भोले अकेले ही उठा दिए हैं इनको। तो बस हम जब पहुंचने वाले हैं नई घाट में, जहां से भीड़ अच्छी खासी हो जाती है, देख रहे हैं अच्छी खासी भीड़ यहां से आपको देखने को मिलेगा। और अब आएंगे और भोले जल उठा रहे हैं पूरी भक्ति के साथ, चलते हैं अभी हर की पैड़ी पे दिखाएंगे। आरती का समय तो आप जानते ही हैं, 7 बजे आरती होता है, और आरती 3 से 4 घंटे पहले आपको आना होगा अगर आरती में आपको बैठना है तो, क्योंकि यहाँ पे जो दृश्य है वो भीड़ वाली है, देख रहे हैं। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं अभी तो आते वक्त आपको भीड़ तो मिलेगा ही मिलेगा हल्की फुल्की, लेकिन जाते वक्त पूरा जाम मिलेगा आपको। तो अर्ली मॉर्निंग अब निकल जाइएगा हरिद्वार से, तो आपको आराम से ज़्यादा जाम की सामना करना नहीं पड़ेगा। और यही आप ट्रिक आप आजमाने की कोशिश करेंगे 1 या 30 तारीख को, तो भाई ये ट्रिक भी काम नहीं आएगा, क्योंकि वन वे शुरू हो जाएगा। वन वे यानी आने और जाने का केवल एक ही मार्ग नॉर्मल लोगों का, और केवल कांवड़ यात्रियों का एक मार्ग जाने का पूरी तरह से जाम रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे।